नमस्कार, मैं हूं आकाश और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज 24। सिवान की राजनीतिक विरासत अपने आप में बहुत ही गौरवशाली रही है। देशरत्न डॉक्टर इंद्र प्रसाद की बात करें या मौलाना मजहर हक की बात करें, यह एक ऐसा शहर और एक ऐसा जिला रहा है जहां पे महात्मा गांधी ने भी आकर अपना समय व्यतीत किया था। और इसी गौरवशाली इतिहास के बीच एक ऐसे शख्स जिसे सिवान का गांधी कहा जाता है वो हमारे बीच हैं। फिलहाल ये सिवान में लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और राजद ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ हैं और बिहारी चौधरी जी। सर, आपका स्वागत है न्यूज 24 में। सबसे पहले सवाल ये है कि राजद ने काफी लेट से आपको अपना टिकट दिया, इसके पीछे का कारण क्या था? सबसे पहले तो आप लोगों को अपने तरफ से मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक प्रश्न है लेट टिकट देने का, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हर जो टिकट है बांटने का निर्धारित करता है पार्लियामेंट्री बोर्ड, क्योंकि मैं भी पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन बहुत दिनों तक रहा हूँ बिहार राष्ट्रीय जनता दल के। तो टिकट का वितरण हुआ है, उसमें जो एलआई पार्टी थे उन लोगों के द्वारा कुछ मामले थे और फिर क्या उन लोगों ने उसमें नीति निर्धारण किया था और किसी तरह की कोई बातें निश्चित होगी जिसके चलते हमें जो टिकट देने में 2 या 3 दिन विलम्ब हुआ। तो विलम्ब के कारण अब अगर उसमें हम रहते तो आपको बतलाते, लेकिन अब एलआई पार्टी और जो हम लोगों के जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं और पार्टी के राष्ट्रीय जनता के स्टेट के अध्यक्ष और सब लोग, अब ये एक सीट को उन लोगों ने थोड़ा विलम्ब होल्ड किया। उसके कारण क्या है अगर भीतर की बात हमें जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन बाद में उन लोगों ने हमको कहा कि आप आइए, आप लड़िए। आदेश तो पूर्व में ही हमको मिला था कि चाहे जो भी चुनाव लड़ेगा आप जो है आरजेडी के कोटे में सिवान है, आप जा करके लोगों को सावधान सतर्क और कार्यकर्ताओं को तैयार कीजिए कि लोकसभा के चुनाव लड़ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूर्व सांसद मोहम्मद शाहुद्दीन की पत्नी हिना साहब को देने की तैयारी की जा रही थी या उन्होंने मना कर दिया? अब देखिए, हमें मैंने कहा कि जब उसमें हम रहते और तो हम हर एक्टिविटी की जानकारी हम रखते, लेकिन जब उससे हम अलग हैं, उसमें हम थे ही नहीं, तो ऐसे स्थिति में क्या उन लोगों के मन में था, मतलब इंडिया जो गठबंधन है या राष्ट्रीय जनता दल का सीट था, उन लोगों ने कारण क्या था कि होल्ड करके रखा, इसके बारे में आपके प्रश्न का जवाब मैं देने में असमर्थ हूँ कि क्योंकि मुझे यह जानकारी नहीं है। और जानकारी जितना थी कि हमको लोगों ने बुलाया और कहा कि आप तैयारी में रहिए और जिसको टिकट दिया जाएगा वो लड़ेंगे, हम तैयार कर रहे थे, तैयार घूमे भी, पूरे सिवान में भी घूमे, सब जगह घूमे। सर, बहुत अच्छी बात है कि अपने जीवन का आधा से ज्यादा समय आपने सिवान की राजनीति और बिहार की राजनीति में अग्रिम भूमिका निभाई है। सिवान की राजनीति की अगर हम बात करें तो 90 से 2000 के बीच का जो दशक रहा था वो दशक राजद का रहा था और राजद में एक धुरी रखी गई थी आपके और मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर, MOI समीकरण को काफी मजबूत किया गया था। वो मजबूती आज दिख रही है या फिर उससे अलग होकर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं या एक साथ हैं? देखिए, वो जो मजबूती थी तो राष्ट्रीय जनता दल में वो भी थे, हम भी थे और हम लोगों के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी थे, तो मजबूती के साथ हम लोग काम करते थे क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य था शांति सद्भावना और आपसी भाईचारा को मजबूत करना। पार्टी के भी यही सोच और समझदारी रही है और सबको मान सम्मान देना, सबको सत्ता में हिस्सेदारी भागीदारी देना, तो हम लोग काम करते थे। लेकिन मतलब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोरोना के चपेट में हम लोगों के एक अच्छे साथी जो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े बुलंदी के साथ इसके नीति और सिद्धांतों के साथ रहते थे, अब वो नहीं रहे, तो अब उनकी अनुपस्थिति
निश्चित जो हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हमको खलती है, लेकिन ये तो प्रकृति का विधान है, जो आया हो जाएगा, राजा रंग फकीर, अफसोस है। तो अब आज के दिन में हम तो राष्ट्रीय जनता दल के नीति और सिद्धांत और मैनिफेस्टो के मुताबिक हमें टिकट दिया है, हम काम कर रहे हैं। और सभी वर्ग के भाइयों से मैं बिल्कुल आशा और उम्मीद करके कि हम आपके लिए हम हमेशा खड़े रहे हैं, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे अगला हमारे सवर्ण जाति के भाई हो, या पिछड़ा हो, दलित अकलियत हो, शोषित पीड़ित हो, और समाज के सभी वर्गों को मैंने काम किया है। तो अब रहा सवाल, मैं तो समझता हूँ कि काफ़ी मजबूती है और सब लोग एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। और आखिर कोई हर व्यक्ति का, हर पार्टी का अपना एक सिद्धांत होता है, एक नियम होता है, पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, पार्टी में जो रहता है, पार्टी के जो डायरेक्टिव है, जो निर्देशन है, उसको मानता है, और लीडर के जो आदेश होता है उसको पालन करता है। तो मैं तो नीति सिद्धांत पर चलता हूँ और पार्टी के लीडर के आदेशानुसार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इसलिए मैं मतलब हमसे कहीं कोई किसी तरह के माइनॉरिटी क्लास हैं, जो हमारे सवर्ण भाई हैं, उनसे हमको कोई अंतर नहीं है। सब लोग से मैं आशीर्वाद मांगता हूँ और सब लोगों को कहता हूँ कि मैं दुख सुख का आपका साथी रहूं। एक समय ऐसा भी रहा कि लालू जी जब मुख्यमंत्री थे उस काल में उन्होंने एक नारा दे दिया था, भूरा बाल साफ करो, और आज सबको लेकर चलने की बात हो रही है। तो अब जात पात सब चीजों को अलग कर दिया गया है। देखिए, यह पार्टी जो है A to Z पार्टी है, और अभी तो आपने देखा कि तेजस्वी जी ने घोषणा भी कर दिया कुछ महीने पहले कि A to Z ही पार्टी नहीं है, ये माई और बाप की पार्टी है। इसलिए ये जो बात आप पूछ रहे हैं ना, हम लोग भी बहुत दिन से सुनते रहे, तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन उसमें जान कुछ नहीं था। इस तरह की बातें हुई तो मैंने अलायंस में शेयर किया है RJD, और आप अगल बगल में देखिए जो भूरा बाल के अर्थ जो लगाए, अगर वैसा रहता तो उन समाज के लोगों को RJD से भी टिकट दिया गया है और महागठबंधन से सबको लेकर साथ चलने की कोशिश की जा रही है। सबको लेकर साथ चलने वाली यह पार्टी है और कहीं कोई भेदभाव नहीं है। चलिए सर, सिवान के मुद्दे की बात कर लेते हैं, विकास की बात कर लेते हैं। जब आप यहाँ पे बिहार में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष थे, तब आपने एक कमिटमेंट किया था कि हमारे प्रयास से सिसवन नाला का जो ओवर ब्रिज है वो जल्द ही बन जाएगा, वो कहाँ तक पहुँचा और वो प्रयास कहाँ तक सफल हो पाए? मैं जुबानी बात नहीं बोल रहा हूँ, आना मैं गलत बात मीडिया के सामने या जनता के सामने नहीं बोलूंगा। मैं आपसे उसके स्टेटस रिपोर्ट बतलाना चाहता हूँ। मैंने विधानसभा में जब हम MLA थे उस समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, और स्पीकर बनने के बाद तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्सी है, उस पर बैठ करके भी मैंने अपने मतलब हमें इस क्षेत्र के बारे में और खास करके जो बर्निंग समस्या है सिसवन डाला, उसके बारे में मैंने मामला को हमेशा गंभीरता से उठाने का काम किया, सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। तो आप देखिए, उसके सारे काम हो गए हैं, उसके सिसवन डाले के मतलब अंडरग्राउंड और ओवर ROB और अंडरग्राउंड भी दोनों है, अंडरग्राउंड भी है और ऊपर से भी है, सारे काम हो गए हैं। इसके एजेंसी है बिहार राजपुल निर्माण निगम, और मैंने तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो पथ निर्माण विभाग के मिनिस्टर भी डिप्टी CM थे तो देख रहे थे, तो ये पथ निर्माण विभाग से ही संबंधित मामला है। तो मैंने उनसे कहा था, और पूरे प्रत्यय अमृत जी इसके कमिश्नर हैं, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उस समय थे, तो सारे यहाँ के प्रक्रियात्मक कार्रवाई हो गई। सवाल यह था कि जिसके जो मैंने इसके निर्माण में जो कॉस्ट आवेंगे, तो नियम के मुताबिक उसमें रेलवे बोर्ड को भी देना है और राज्य सरकार को भी देना है। राज्य सरकार ने अपने शेयर को रिलीज कर दिया और वह भेज दिया DRM बनारस को, और DRM बनारस ने भेजा GM को, और GM ने उसको स्वीकृति करके जस्टिफिकेशन करके रेलवे बोर्ड में भेज दिया। उसमें कहीं कुछ बाकी नहीं है, सिर्फ रेलवे बोर्ड दस्तखत करके सेंट्रल रेलवे बोर्ड अपना शेयर अगर रिलीज कर दे, तो ये तो सारे किया हुआ चीज़ है,
उसका जो है काम होगा और वो मतलब इस काम का क्रेडिट तो बीजेपी वाले भी लेते हैं सर, एनडीए वाले भी लेते हैं। अच्छा, हमारे पास तो रिकॉर्ड है, ये जबानी नहीं। अगर कोई पत्रकार चाहे तो हम एक एक रिकॉर्ड, एक एक कागज, सरकार के कागज, और मैंने क्या कहा, सरकार क्या किया, कौन सी कार्रवाई हुई, हमारे पास तो पोती है, सांच में आज कौन सी है, जबानी तो जो मन करे सो बोल दीजिएगा। लेकिन बीजेपी बहुत किया, तो बीजेपी माने हमको तो नहीं लगता कि इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व तो बीजेपी नहीं कर रहा था, नहीं कर रहे थे, तो मैंने तो इस सब चीज को किया है। और हम तो जो पूर्व के जो यहाँ के एमपी थी और रेलवे में एक प्रोग्राम में हमको भी इनवाइट लोग किए थे, गए थे, और मैंने अपने मतलब संबोधन में मैंने कहा था कि ये सब काम जो स्टेशन के सर सफाई या सौंदर्यीकरण जिसका पिता आज कट रहा है, हम तो इस नियत से मतलब कमर्शियल सुपरिटेंडेंट के बुलावे पर आए ताकि हमारा सिसवन जो है, जो फाटक है, ढाला है, और जिस पर मैं कार्रवाई किया हूँ, हमको लगा कि आज उसका भी पिता कट जाएगा। वैसा आदित्य सपना सर सजाया होगा आपने लोकसभा क्षेत्र में कि किस तरह का विकास हो, उस सपने को आप किस तरह से पूरा करना चाहते हैं, सपना क्या है? मेरा सपना है कि राज्य सरकार में रह करके और राज्य में रह करके, विधायक रह करके, स्पीकर रह करके, मिनिस्टर रह करके, मैं अगर कार्यों को गिनाने लगूं तो उसके लिए 3-4 दिन की जरूरत होगी, और उसके लिए मैं पोथी बनवा लूं तो बहुत मोटा विकास का पोथी बन जाएगा। वो झूठ नहीं, वो पोथी विकास का मैं बनवा लूं, अब पत्रकार लोगों को कहूं कि जो मैं लिखा हूं, आप अगर समय हो तो उस स्थल पर जाइए, जाकर जांच कर लीजिए, लोग क्रॉस चेकिंग कर लीजिए कि मैं सही दिया हूँ गलत दिया हूँ। तो लेकिन नया सपना है कि देश के सबसे बड़े पंचायत घर में प्रतिनिधि जाने का मामला है, तो उसके प्रतिनिधि बनने के लिए, एमपी बनने के लिए हमने मतलब हमको टिकट मिला है। मेरा सपना है कि सिवान में मतलब बड़े बड़े उद्योग जो है यहाँ कुछ नहीं है, और जहाँ उद्योग नहीं रहेंगे वहाँ रोजगार नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं अपने स्तर से अगर ये आपका इंडिया गठबंधन की अगर गवर्नमेंट सेंट्रल में बन जाती है तो मैं भी मतलब उस गवर्नमेंट में रहूँगा, अगर जनता भेजेगी। आपके विधायक रहते ही दो दो मिले यहाँ पे चल रही थी, सूता मिल थी, चीनी मिल थी, वो बंद हो गई, तो वो सपना उस समय क्यों नहीं, आपने रोका क्यों नहीं, बंद क्यों? मैंने बहुत लड़ाई लड़ा, बहुत असेंबली क्वेश्चन किया, बहुत काम किया, लेकिन और बहुत प्रयास किया गया उसको। इन्वेस्टर जो है उस समय मतलब इन्वेस्ट करने के लिए कोई आया नहीं, और माहौल ऐसा था क्या कि कहा नहीं, माहौल तो जो था सो था। राघवेंद्र प्रसाद केन के मिनिस्टर थे, हमारे मित्र थे, और काउंसिल में भी मामला मैंने उठवाया था, अपने उठाया, और हुआ था जो सिवान चीनी मिल, एक चीनी मिल को तत्काल चलाया जाएगा। लेकिन जो आदमी को मैंने देना था वो महाराष्ट्र के रहने वाला था, बाद में धीरे से वो कारण क्या था नहीं टिक पाया, नहीं अड़ पाया। इसलिए मैंने प्रयास किया, मैंने प्रयास किया न्यू सिवान चीनी मिल को चालू कराने के लिए, मैंने प्रयास किया इसके जी चीनी मिल। अब मैंने क्या प्रयास करता, पचोखी मिल तो ताहलीला हुआ, आखिर उसके जो दूर दूर बिक गई सर, दूर दूर जमीन बिक गया, सारे सामान बिक गए, सब भी हो गया। उस समय तो आप विधायक थे, आपकी सरकार भी रही, सूता मिल बंद हो गया, तीन तीन चीनी मिले सिवान की बंद हो गई। अब ऐसे में जो चीजें बंद हो गई उसको पुनः शुरू करना, व्यवस्थित करना कितना जटिल होगा, ये सोच सकते हैं? देखिए, मैं यह कह रहा हूँ कि हमें मतदाता मालिक हमें अवसर देगी और पार्लियामेंट में हमको मेंबर बनाकर भेजेगी पार्लियामेंट के, तो ये जटिल काम, दुनिया में कोई काम जटिल नहीं होता है। आदमी को ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए, जनप्रतिनिधि अगर उसको एक इशू बना करके अगर असेंबली चाहे पार्लियामेंट में वो उसको मतलब सरकार के ध्यान आकृष्ट सही तरीके से करेंगे तो निश्चित उसके रिजल्ट अच्छा होंगे। इसलिए कि मैं इसके संसदीय व्यवस्था के बारे में और कैसे क्या किया जाता है, कैसे सरकार को आकृष्ट किया जाता है उसके ध्यान को, तो मैं जानता हूँ। इसलिए
निश्चित हर चीज कठिन है, लेकिन मेरे प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। और आपने देखा ये जो स्पिनिंग मिल है, स्पिनिंग मिल के लिए मैंने बहुत लड़ा, बहुत घेराव किया, लेकिन उसको बंद करके जो इंजीनियरिंग बना दिए, उस समय जब इंजीनियरिंग कॉलेज बना तो उस समय जो डिसीजन लिया गया, उस समय ना हम प्रतिनिधि थे ना हम गवर्नमेंट में थे। जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है उन्हीं की सरकार बीजेपी के साथ थी, तो उन लोगों ने स्पिनिंग मिल को नहीं रिवाइव किया बल्कि इंजीनियर सर पैदा कर दिया जाएगा, उनको जॉब कहाँ मिलेगा। तो हम तो यही कहते हैं कि मान लीजिए कि इंजीनियर दुनिया के पैदा कर दिया जाए, तो पैदा कर दीजिएगा तो उनको तो नौकरी चाहिए ना। तो आप नौकरी जब आप सारे जो है सरकारी प्रतिष्ठान बड़े बड़े हैवी इंजीनियरिंग सब चीज जब बंदे हो गए हैं, तो बेकारी बेरोजगारी तो बड़ी है। और इंजीनियर से लेकर के जो हमारे पढ़े लिखे जो छात्र छात्राएं हैं, पढ़ लिख करके नौकरी के लिए और सड़कों पर लोग टहल, फोर्थ ग्रेड की नौकरी करते हैं। इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है, आप बताइए। तो हम जो है मैंने मेरा अपना सर, विकास का अहम मुद्दा तो ये है ही कि अगर आप विकास करते हैं, बिल्डिंगें बना देते हैं, तो बिल्डिंगों को यूज करने के लिए संसाधन की भी जरूरत होती है, और जब संसाधन ही नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। दूसरा ये सर कि विगत 15 सालों में जो जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है कि विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि विकास जिस स्तर पे होना चाहिए, जो सिवान एक स्मार्ट सिटी के रूप में दिखना चाहिए, आज भी वो संकीर्ण सिवान वैसे ही पड़ा हुआ है जो 15 साल पहले था। और इस सिवान की जनता की जो मांगे हैं, ये विकास 15 सालों में क्यों नहीं हुआ, जो वर्तमान के प्रतिनिधि थोपे जा रहे हैं वो कितने सही हैं, इस पे आपकी क्या अपनी। आपके प्रश्न बहुत मतलब लॉजिकल है, और 15 वर्ष की जो बात कर रहे हैं तो हम तो भाई जनता ने हमें अवसर नहीं दिया, हम तो मतलब उनके सेवा में जरूर थे लेकिन हम असेंबली के मेंबर नहीं बन पाए थे, दूसरे लोग थे। लेकिन मैं जो विकास किया था उसी विकास को दिखलाई दे रहा था। हम भी बर्मन में जाते थे, देखते थे कि अरे मैंने जो ये ईटा का सोली करा है वही रह गया है, ये डोल रहा है उतने मतलब पुराना तैयो बड़ा हुआ है। तो लेकिन जो मैंने जो जनप्रतिनिधि थे उन लोगों की जिम्मेवारी बनती थी, तो उदासीनता कहीं रही होगी जिसके चलते ये मैंने विकास रुका हुआ था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिम्मेवार उसके लिए चूंकि मैं नहीं हूँ, और चूंकि हम विधानसभा के प्रतिनिधित्व से वंचित हो गए थे, अब रहा सवाल कि जो आशा उम्मीद लोग करते हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं विकास करूँगा। मेरे 5 साल से आप भी विधायक हैं, क्या हुआ इस 5 साल में? 5 साल से कहाँ विधायक है, चुनाव कब हुआ वो आप जोड़िए ना, 5 बरस पूरा कहा। हाँ होगा, तो अब तो 5 बरस नहीं ना हो पाया है। तो मैंने तो अगर आप को मैं बतला देता हूँ कि हमारे हम तो विधानसभा की बात करेंगे ना, इसलिए लोकसभा हो जाएंगे तो लोकसभा की बात करेंगे। मेरे विधानसभा में एक भी सड़क नहीं है जिस पर काम नहीं हो रहे हैं, सौदागिरी बन रहा है। तो ये तमाम काम जो है, ये तमाम विकास के काम तो सर हो रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान के अगर मुद्दे की हम बात करें तो ये देखा जा रहा है, और ये जनता के सर सवाल है, जनता के सवाल नेताओं से होने चाहिए। जनता ये सवाल कर रही है कि किसी भी पार्टी के द्वारा ये नहीं सोचा जाता है कि उनका दिल का चाहने वाला नेता कौन हो, जबरन थोप दिया जाता है। अभी अगर एनडीए की ही बात करें तो ऐसे नेता को, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को लाकर रखा गया है जो जनता बता रही है, आप जनता के बीच लंबे समय से रहे, तो ये कितना जरूरी है कि जनता की बातों को समझे पार्टी जो जबरन नेताओं को थोप देती है, ये कितना जरूरी है। देखिए हम कोई नए नहीं है, और हमको जो बार बार विधानसभा के प्रत्याशी बनाया गया तो हमको थोपा नहीं गया, ये जनता के मांग थे। सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये पार्टी विशेष की बात कर रहा हूँ कि क्यों थोप दिया जाता है। और ऐसे है, ये तो पार्टी के
मतलब अपने पार्टी अपने स्तर से हर पार्टी सर्वे कराती है और सर्वे में जनता से ही आप लोग घूम घूम करके पूछते हैं कि आप लोग किसको चाहते हैं, किसको चाहते हैं, आपका प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। चाहे जो बहुत सारे एजेंसी है जो सर्वे करती है और उन लोगों के जो रिपोर्ट जाता है और उसी के मुताबिक टिकट का वितरण होता है, कहीं कहीं उसके अनदेखी भी कर दिया जाता है, इसमें सिवान भी है जो अनदेखी कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे, मैंने आपके प्रश्न जो है उसको मैं कहना चाहता हूं कि जनता के द्वारा जो जो मतलब समीक्षा के उपरांत जो रिपोर्ट है, चाहे एजेंसी हो जो कोई करे, तो कोई भी पार्टी हो कोई भी दल हो, उसका अपने स्तर से भी रिपोर्ट जो जाए उसका चिंतन मनन कर लेना चाहिए और इच्छा जनता की जो है उसके मुताबिक निश्चित प्रत्याशी हो। ये थे और बिहारी चौधरी, जो लंबे समय से लगभग 5 दशक से 50 सालों से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और कई अच्छे पद को सुशोभित कर रखा है इन्होंने। इन्होंने जनता से जो अपील की वो आपने सुना है और क्या कुछ कहा है वर्तमान के चुनाव के परिवेश में और विकास के नाम पे ये क्या करने वाले हैं, क्या किया है, इन तमाम चीजों पे हमने बात किया है। और भी तमाम लोगों से हम बात करते रहेंगे और हर मुद्दे पे हर व्यक्ति से बात होगी, आम जनता के ओपिनियन से बात, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जनता अपना नेता कैसा चुनना चाहती है। फिलहाल चुनाव का समय नजदीक आ रहा है और जनता ही जनार्दन होती है, जनता बहुत ही साइलेंट होती है, जो जाते हैं उसे ही जिताती है, लेकिन चुनाव के बाद ही पता चलता है कि सही नेता कौन है। इंतजार उस समय का भी होगा और आप देखते रहिए न्यूज 24, हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। सिवान से न्यूज 24 के लिए आकाश।